हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि एकेटीयू के आपका बीटेक बीफार्मा या बीएमसीए जो भी छात्र हैं, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में बैक आता है या फिर फिफ्थ और सेवन्थ में, तो उसका एग्जाम्स कब होगा। क्योंकि देखा कि सर छात्रों को डाउट है, कमेंट कर रहे हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का, फिफ्थ सेवन्थ बीटेक बीफार्मा या बीएमसीए का एग्जाम्स कब होगा। तो ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी ऑफिशियल अपडेट, सकते हैं। एक स्टूडेंट डेथ गार्ड करके पूछ रहे हैं, सर अगर थर्ड सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट में बैक आ जाए तो ये दोनों बैक पेपर कब होंगे। देखिए पहली बात, आपने आपका क्वेश्चन गलत, आपको इस तरीके से नहीं करना। आपको ये पूछना है कि आपका बीटेक का बीफार्मा है क्या है, ठीक है। क्योंकि बीटेक का अलग रोल होता है, बीफार्मा का अलग रोल होता है, ठीक है। एमबीए एमसीए का बीटेक वालों के साथ में होता है, बट जो बीफार्मा का स्टूडेंट है उनका अलग से हिसाब होता है। अगर आपका बीफार्मा है और बीफार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, तो आपका अगर फर्स्ट सेम है या फिर थर्ड सेम है, तो उसका एग्ज़ाम क्या होता है, ऑड इवन का रूल उसमें लागू नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर आपका जो है बीटेक है या फिर एमबीए एमसीए, तो फिर आपका ऑड इवन रूल लागू होता है। तो बीफार्मा वाले, अगर आपका फर्स्ट सेम है या फिर आपका थर्ड है या फिर आपका फिफ्थ है, सेवन्थ है, जो भी है, या फिर सेकंड है, ठीक है, तो फर्स्ट वालों का आपका सेकंड वालों के साथ होगा, ठीक है। और अगर आपका थर्ड सेमेस्टर है तो फिर आपका थर्ड वालों का फोर्थ वालों के साथ में होगा। यानी कहने का मीन्स ये है कि आपका आर्ड का इवन में होगा और आर्ड का इवन का आर्ड में होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका बी टेक के स्टूडेंट हैं, बी टेक के हैं या फिर एम बी ए हैं, एम सी ए हैं, तो सभी के लिए अलग रूल है। उन लोगों के लिए क्या रूल है कि अगर आपका बी टेक के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है या फिर एम बी ए एम सी ए के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा, यानी कि उसमें आर्ड इवन रूल लागू होता है। वहीं पे अगर आपका जो थर्ड सेमेस्टर में बैक आती है, तो फिर उसका फिफ्थ सेमेस्टर में एग्जाम होगा, ठीक है। उस तरीके से फिफ्थ वालों का सेवन्थ के साथ, सेवन्थ वालों का नेक्स्ट जो नाइन्थ सेमेस्टर होगा या फिर जो इवन सेमेस्टर यानी आठवें सेमेस्टर के बाद जो फिर नेक्स्ट आठ सेमेस्टर होगा उसमें होगा। तो इस तरीके से होता है। और जहाँ तक बैक पेपर का जो एग्ज़ाम्स होता है, वो रेगुलर वाले बच्चों के साथ हो। मान लीजिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई, तो जो आपके बीटेक बीफार्मा के जो थर्ड सेमेस्टर के रेगुलर वाले स्टूडेंट होंगे, उन्हीं के साथ में आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन वहीं पे जो बी फार्मा वाले स्टूडेंट, अगर आपका इवन में बैक लगती है, तो फिर आपको जो है इवन वालों के साथ, जो आपका इवन ये आर्ट इसमें कोई मेंशन नहीं है, जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा सेकंड के साथ, थर्ड होता है तो थर्ड ही में होगा। लेकिन बीटेक और बीएमसीए वाले आर्ट में ही दे पाएंगे इवन में। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है, तो बीटेक वाला बच्चा थर्ड में दे पाएगा, सेकंड में नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो उसमें आर्ट में रूल लागू होता है। उस तरीके से जो थर्ड में थर्ड सेमेस्टर बीटेक वालों की लगेगी, वो सीधे फिफ्थ सेमेस्टर में देंगे, फिफ्थ सेमेस्टर वाला सेवन्थ में देगा। इस तरीके से आर्ट में रूल लागू होता है। तो आप समझ गए होंगे, कोई डाउट हो कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी इस पर डिटेल्स में एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे आप लोगों को, तो जो भी डाउट है कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर पिकअप करने की कोशिश करेंगे। आज वो वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर।